एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा देन व्हाट देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा बाय टू इज। देखो पहले ना टेन थीटा बाय टू जो है ये तुम्हें पता होना चाहिए, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा बाय टू, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, क्योंकि वन माइनस कॉस थीटा कितना टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और ये क्या टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, टेन थीटा बाय टू आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना अल्फा को जीरो रख देते हैं। अगर हमने अल्फा को जीरो रख दिया तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ए पौने, यहाँ बी ए पौने अंडर रूट वन माइनस बी ए पौने और वन प्लस बी ए पौने, तो क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट ए माइनस बी ए पौन ए प्लस बी आ गया। अब देखो वही ऑप्शन रह जाएंगे जिसमें रूट ए माइनस बी ए पौन ए प्लस बी बनेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, हम दो ऑप्शन बच गए। जरा अल्फा को जीरो रखो तो टेन अल्फा बाई टू कितना रहा जीरो, और यहाँ कितना रहा कॉट टेन जीरो कितना रहा जीरो, और कॉट जीरो कितना नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन तो हो नहीं सकता, आंसर आएगा ये। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार और कर लेते हैं, हम क्या करें अल्फा को क्या रख दें 90, ठीक है। अगर हमने अल्फा को 90 रख दिया ठीक है तो कॉस 90 कितना हो जाएगा जीरो, तो इस बार कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमने अल्फा को जीरो रख यहाँ 90 रखा था, हमने अल्फा को 90 रखा था तो आया था, क्योंकि कॉस 90 कितना होता जीरो होता, तो ये केस आया था। और अगर हम अल्फा को जीरो रखेंगे, अल्फा को जीरो, तो क्या आएगा हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो कितना होता वन होता, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। जो हमने 90 रखा तो यहाँ भी 45 होता, ये दोनों सेम आ गए थे केसेस, तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अल्फा को क्या रखें इस बार जीरो रखें, तो कॉस थीटा कितना आ गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यहाँ पुट कर लो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट वन माइनस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी वन हो गया, तो ठीक है तो वन माइनस वन कितना हो गया ज़ीरो, ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ज़ीरो वैल्यू आ रही है। अब देखो इसमें से टेन थीटा टेन थीटा बाई टू की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो आ रही है ना, अब देखो इन दोनों में से जीरो किस पे आएगी, अल्फा कितना 90 इसी पे आएगी 90, अल्फा को जीरो रखोगे तो जीरो पॉइंट टू जीरो, टेन जीरो कितना हो गया जीरो हो गया, यहीं से वैल्यू मिलती है। जब हमने अल्फा को जीरो रखा तो कॉस जीरो वन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी बन गया ना वन बन गया, और तो यहाँ क्या आ गया कॉस थीटा वन यानी कि वन माइनस वन जीरो, तो ये वाली वैल्यू जीरो आ गई ना, यानी कि टेन थीटा बाई टू वैल्यू जीरो, और यहाँ से भी जीरो आ रही, तो यही हमारे पास ऑप्शन, ठीक है।